हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और दूसरा दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। डिस्टेंस निकालना है आपको एक लाइन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, दीज आर द एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ओके, एक लाइन ड्रॉ की, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इज, दिस लाइन की इक्वेशन सपोज कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक पॉइंट चूज कर लिया इस प्लेन में, से पी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन एंड वाई वन। अब आपको इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मैंने ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन में अगर y की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस सी अपॉन ए, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। सेम वे वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, x के प्लेस पर जीरो पुट कर दो, y की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस सी अपॉन बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको। मैं अब ज्वाइन कर रहा हूं पी और बी को, और ए और पी को ज्वाइन कर दिया, ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया पी बी एंड ए। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको नाम दे दिया एन, इस ट्राइंगल का एरिया पी बी ए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टेंथ क्लास में आपने पढ़े, और दूसरा हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो इन दो तरीके से मैं इसका एरिया लिख रहा हूं यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज हाफ, इफ यू आर यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वन दिस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई टू माइनस वाई थ्री, सो माइनस सी बाई बी माइनस जीरो, प्लस एक्स टू, एक्स टू कोऑर्डिनेट जीरो, पूरा जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। नाउ कम टू द एक्स थ्री, एक्स थ्री इज देन वाई वन माइनस, माइनस थे और ये ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ इफ यू आर यूजिंग हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, यू कैन से हाफ बेस इज लेंथ ऑफ ए बी एंड ऑल्टीट्यूड इज द लेंथ ऑफ पी एन, सो नाउ हाफ एंड हाफ विल बी कैंसल्ड, सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट माइनस सी वन एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स वन, और ये हो जाएगा सी वाई वन अपॉन ए माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का मॉड्यूल इज इक्वल टू ए बी। ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। नाउ कोऑर्डिनेट्स यू नो, डिस्टेंस यू कैन फाइंड इजीली, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए माइनस जीरो का स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सी बाई बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू पी एन। सो पी एन का वैल्यू क्या मिलेगा आपको यहां से, ये मॉड्यूलस है, यहां से कॉमन लेते हैं अगर आप सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स वन अपॉन सी बी प्लस वाई वन अपॉन सी ए प्लस वन अपॉन ए बी अपॉन दिस वैल्यू रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पी एन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में से, तो ये बाहर आकर सी हो जाएगा, और अगर एलसीएम लेंगे इसका तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक सी कैंसिल हो जाएगा एज इट इज एक्स वन अपॉन सी बी प्लस वाई वन अपॉन सी ए प्लस वन अपॉन ए बी। ये वैल्यू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ए बी बन जाएगा ये।
इस ए बी को न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी बाहर एज इट इज, ए बी से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा ए बी से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ए अपॉन सी एक्स वन, यहाँ ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी अपॉन सी वाई वन और ये वन आ जाएगा अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप इसको तो पी एन की वैल्यू मिलेगी आपको ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। दिस एज ए फॉर्मूला वी विल यूज नाउ। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला कि डिस्टेंस जब भी निकालने हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन की तो लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स वन वाई वन। अब आपने क्या किया, लाइन की जो इक्वेशंस थी उसमें एक्स और वाई को उसके कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह पर एक्स वन, वाई की जगह वाई वन, और डिनोमिनेटर यानी कि रूट कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर ऐड किया और स्क्वायर रूट ये से डिवाइड करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अब हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे आगे से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है। स्लोप आपको पता है, इसका स्लोप क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई एंड चेंज द साइन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव यू विल गेट द स्लोप। सेम स्लोप इज अनदर लाइन देन देयर लाइंस आर पैरेलल। इस लाइन का स्लोप भी अगर ये सेम है तो ये पोर्शन सेम रहेगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी सी टू। नाउ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो यू नो पैरेलल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एनी वेयर सेम डिस्टेंस विल रिमेन, कहीं पर भी आप लेंगे सब जगह सेम डिस्टेंस रहता है पैरेलल लाइन्स के बीच में। कोई एक पॉइंट चूज कर लिया मैंने यहां पर से एक्स वन वाई वन, अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, एक रिलेशन मिला आपको ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो अभी अभी आपने यूज किया वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं अब। तो डिस्टेंस इज क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो फॉर्मूला अभी लिखा था उसी फॉर्मूले का हमने यूज किया है। अब एक चीज देखिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, इस इक्वेशन से ए एक्स वन प्लस बी वाई वन का वैल्यू क्या मिलेगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए माइनस सी टू, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन की जगह पर लिख रहा हूं मैं माइनस सी टू। तो सी वन माइनस सी टू, आर यू ऑलरेडी नो दैट डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो मेक इट पॉजिटिव, टेक मॉड्यूलस साइन। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, सो डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्स्टेंट टर्म्स, बट इट शुड बी क्लियर दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ वाई शुड बी सेम, दोनों कोफिशियंट सेम होने चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा पैरेलल लाइंस के बीच में। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यू ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन थ्री वर्टिसेस आर गिवन। सपोज दिस अ ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर गिवन से एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री, थ्री वर्टिसेस आर गिवन। आप क्या करना है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है मैं फिर से लिख रहा हूँ, डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू।
Now, same thing you can do with the help of determinants. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, and third column as a 1, 1, 1. The value of this determinant multiplied by half and make it positive modulus sign. Then you will get area of triangle. So, one more formula you got. In comparison to this, this will be easier to memorize. Isko aasani se aap yaad rakh sakte hain. Now, one more formula I am giving you, that is known as Steer method. That will be more easier. Now, I am writing here vertices. First one is x1, y1. Second one is x2, y2. Third one is x3, y3. And then repeat the first one again. x1, y1. Now, how to calculate the value of this? Multiply x1 into y2 plus x2 into y3 plus x3 into y1. Now subtract x2 y1. Again subtract x3 y2. Again subtract x1 y3. It means half as it is. What we are doing here? x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1. We have to add when you multiply downwards. When you multiply upwards, then you have to subtract. Minus x2 y1 minus x3 y2 minus x1 y3. If this quantity is coming negative, make it positive because area is always positive. So this is the second formula. With the help of this Steer methods, we can find the area of polygon also. How to find out the area of polygon? Suppose a pentagon is given, whose coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, and x5, y5. To find the area of this pentagon, we have to use this method, Steer method. So, half as it is. Now, write down the coordinates of vertices. First one is x1, y1. Second, x2, y2. Third, x3, y3. Fourth, x4, y4. And fifth vertex is x5, y5. And repeat the first one at last. Remember this, x1, y1. Now, you know how to calculate this value. x1, y2 plus x2, y3 plus x3, y4 plus x4, y5 plus x5, y1. Then subtract minus x2, y1, minus x3, y2, minus x4, y3, minus x5, y4, minus x1, y5. You will get the area of pentagon. So, with the help of this Steer method, it is easier to calculate the area of polygons. Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon. Okay, so this will be an easier method to calculate the area of triangle or area of polygon. Now, one more method I am telling you to find the area of triangle when all the three sides are given. First side AB is A1X plus B1Y plus C1 equal to 0. Second equation A2X plus B2Y plus C2 equal to 0. And third side is A3X plus B3Y plus C3 equal to 0. Three sides are given. So, without finding the vertices, we can calculate the area of triangle. For that, formula is 1 upon 2 C1, C2, C3. These are the capital C1, C2, C3. And these are the small letters, small C1, small C2, small C3. There is a difference between capital and small. Okay. Now, determinant of A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, and square of this determinant. So, now I am writing the value of C1. What do you mean by C1? C1 is the cofactor of small C1. How to find out the cofactor? Replace this first row
and this first column. Then the remaining portion will be A2, B2, A3, B3. Now you know about the determinant, so you know cofactors. So its value will be A2, B3 minus A3, B2. That is the value of C1. Second, C2, cofactor of small C2. So it will be negative. Remove the second row and third column. You will get A1, B1, A3, B3. So A1, B3 multiplied by minus. So minus A1, B3. Minus A3, B1 multiplied by minus, it becomes plus A3, B1. That is a second cofactor. Third, C3 is replace cofactor of small C3. Remove this row and this column. So the value of this A1, B1, A2, B2. It becomes A1, B2 minus A2, B1. That is the values of cofactors. So capital C1, capital C2, capital C3. ये values आपको यहाँ पर replace करनी है. और इसका value आप determinant का value find out कर सकते हैं. You know how to find out the value of determinant. और उसका square कर देंगे. तो area of triangle without calculating the vertices आप find out कर सकते हैं. अब हम ले रहे हैं area of parallelogram. आपने देखा distance from a point to the line, distance between the two parallel lines and area of triangle आपको आगे निकालना. अब हम ले रहे हैं area of parallelogram कैसे निकालते हैं. Area of parallelogram. Parallelogram means parallel lines होंगी इसमें. एक line ये ले लेता हूँ parallel या parallelogram. तो इस टाइप से आपका parallelogram होगा ये. ठीक है? Parallel lines होंगी सारी. Lines सारी parallel बना लीजिए आप. ये पैरेलल लाइंस हो गई. सपोज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0. दोनों लाइंस पैरेलल हैं. आप देख सकते हैं इनका स्लोप सेम है और डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में. डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया अभी यहाँ पर p1. p1 का वैल्यू अभी अभी आपने सीखा था, तो आप बता सकते हैं p1 की वैल्यू क्या होगी. P1 की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्स्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव ऑलवेज. नाउ आई एम सपोजिंग द अदर टू इक्वेशंस इज cx प्लस dy प्लस d1 इक्वल टू 0 और cx प्लस dy प्लस d2 इक्वल टू 0. दीज आर द टू पैरेलल लाइंस दिस वन. एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दीजिए एक साइड. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये आपका डिस्टेंस मिला P2. P2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्स्टेंट्स दैट इज D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई रूट C2 प्लस D2. ये इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस हो गया. इस एंगल को अगर मैं थीटा सपोज करता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा, ये भी थीटा हो गया. क्यों? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. बेस ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक. इसको अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी पैरेललोग्राम को, तो ए बी हो गया बेस और ऑल्टीट्यूड हो गया इसमें P1. बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब इस पॉइंट को मैंने ले लिया M. सी दिस ट्राइंगल ABM. इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है. तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस. हाइपोटेनिस में हो गया ए बी. तो ए बी का वैल्यू यहां से मिलेगा आपको P2 अपॉन साइन थीटा. ये बेस के प्लेस पर यहां रख देते हैं. P2 अपॉन साइन थीटा इंटू P1. सो एरिया क्या मिला आपको? P1 P2 अपॉन
साइन थीटा। अगर आपको सारी लाइंस पता है तो पहले आपको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एंगल निकालने के फॉर्मूले आपको पता है, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हम, इनके स्लोप्स का यूज़ करके। तो टेन थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस, टेन थीटा होता है m1 माइनस m2, इसका स्लोप और इसका स्लोप। इसका हो गया माइनस c अपॉन d माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा a अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 c अपॉन d इंटू a अपॉन b। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन बी डी प्लस ए सी। ये टेन थीटा का वैल्यू मिला। अब आपको निकालना है यहाँ पर साइन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए डी माइनस बी सी हाइपोटेन्यूस, इनकी हेल्प से मिलेगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी प्लस ए सी का होल स्क्वायर होल रूट। ये साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दीजिए। ये मिलेगा आपको ए डी माइनस बी सी न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर इसमें आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से जो टर्म आएगी माइनस टू ए बी सी डी, और यहाँ पर आएगी प्लस टू ए बी सी डी, वो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ मिलेगा आपको बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, तो फिर मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये मिलेगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर से आप सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लेना, फिर मिलेगा आपको ये ए डी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा की। ये वैल्यू साइन थीटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, P1 और P2 की वैल्यू ये इनमें लिख रहा हूँ। यहाँ पर P1 P2 हो गया C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन थीटा, साइन थीटा का न्यूमरेटर पार्ट है ए डी माइनस बी सी, और डिनोमिनेटर ये इधर आ जाएगा, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको c1 वन माइनस सी टू इंटू डी वन माइनस डी टू अपॉन ए डी माइनस बी सी। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेने हैं आपको, एरिया मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके बाद आप पूरा मॉडुलस लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c1 वन माइनस सी टू डी वन माइनस डी टू अपॉन, ये टू बाई टू का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं आप इसको, ए बी सी डी ए डी माइनस बी सी। इसको आप ऐसे भी, ताकि ये याद करने में थोड़ा आसान हो, बस इसलिए हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख दिया। और ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी के साथ मैं एक चीज अटैच करूंगा कि अगर आपका P1 और P2 दोनों डिस्टेंस सेम आ जाती हैं तो ये रोम्बस बन जाता है। तो रोम्बस के एरिया में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन थीटा। पी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। थोड़ा सा ही चेंज है, पी स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकालने का प्रोसीजर सेम। तो रोम्बस का एरिया के लिए पी वन और पी टू दोनों सेम होते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया enclosed by Lx plus minus My plus minus n equal to 0. Now you have to see which type quadrilateral it will form by these lines. First of all, decide how many lines these represents. Actually, these are the four lines. First line is Lx plus My
plus n equal to 0. I have taken positive, positive sign. Now, next is lx plus my minus n equal to 0. Here positive, here negative sign I have taken. Next is lx minus my plus n equal to 0 and lx minus my minus n equal to 0. Now you can see from here, these two lines are parallel and these two lines are also parallel. Their slopes are same. If this portion coefficient of x and y, inka ratio और सो माइनस से मल्टीप्लाई करो स्लोप मिल जाएगा. तो माइनस एल अपॉन एम, इसका स्लोप भी माइनस एल अपॉन एम, दोनों लाइंस पैरेलल हो गई. इसका स्लोप एल अपॉन एम, इसका स्लोप भी एल अपॉन एम, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई. तो अब आपके चार लाइंस हैं जिसमें से दो लाइन ये आपस में पैरेलल हुई और दो लाइन ये पैरेलल हुई. कुछ इस टाइप का ये डायग्राम बन रहा है. मैं इनके इक्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पर. एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इक्वल टू जीरो और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो. और इस लाइन की इक्वेशन हो गई एल एक्स माइनस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो और एल एक्स माइनस एम वाई माइनस एन इक्वल टू जीरो. बच्चों मुझे बताओ पहले इन दोनों लाइन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है. दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, आपको डायरेक्ट मिलेगा एन माइनस माइनस एन. इसको जिसको पी वन कहते हैं आप, पी वन का वैल्यू क्या मिला, एन माइनस माइनस एन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी टू एन. ऐसे ही आप निकाल सकते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज पी टू. पी टू की वैल्यू बताइए कितनी है. अगेन कॉन्स्टेंट टर्म्स का डिफरेंस निकालना है और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस माइनस एम का होल स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर ही आ जाएगा. आपने देखा P1 और P2 दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, रोम्बस. ये रोम्बस बन गया. आप तो आप फिगर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से. ये रोम्बस हो गया. अगर ये रोम्बस है तो P1 P2 दोनों सेम है. तो रोम्बस का एरिया, या तो आपको फॉर्मूला वो याद रखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला ही, वही सेम फॉर्मूला आप रोम्बस के लिए यूज कर सकते हैं. P1 P2 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा, या फिर दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो भी याद रख सकते हैं. P1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2n अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और P2 की वैल्यू भी यही है. साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए. इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा, टेन थीटा आपको पता है. टेन थीटा का वैल्यू m1 वन माइनस एम टू, इसका स्लोप हो गया l अपॉन m, माइनस इसका स्लोप हो जाएगा माइनस l अपॉन m, प्लस हो जाएगा अपॉन वन प्लस एल अपॉन एम, तो ये माइनस एल अपॉन एम. इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा टू टाइम्स एल अपॉन एम, और डिनोमिनेटर में आ गया एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. तो आ गया टू एल एम अपॉन एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. टेन थीटा का वैल्यू मिल गया आपको. अब इसी की हेल्प से आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू. साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस की वैल्यू ये है. अब आपको चाहिए हाइपोटेन्यूस, तो आप एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एल एम का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट है तो एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा. साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, टू एल एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा. यहाँ मिला आपको फोर एन स्क्वायर अपॉन टू एल एम, तो ये आंसर क्या आ गया, टू एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू एम. दैट इज द एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाई
दीज फोर लाइन्स, टू एन स्क्वायर अपॉन एल एम। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का कर सकते हैं, ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। ऐसे ही ए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस बी मॉडुलस ऑफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करना और फिर देखना क्या वैल्यूज आती हैं। आपको यह एग्जांपल समझ में आया? इस तरह के आप एग्जांपल दो और ट्राई करना। आपके मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उन मॉड्यूल्स के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड। नाउ क्वेश्चन इज द स्ट्रेट लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स आर गिवन, द स्ट्रेट लाइन्स 7x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू जीरो एंड 7x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू जीरो फॉर्म एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। विद द लाइन y is equal to 2. Now these three lines will form a isosceles triangle. Then area of this triangle is 15 First option is 15 upon 7 square unit. Second option is 10 upon 7 square units and third option is 18 upon 7 square units and last option is none of these. First of all, draw a rough diagram of this three lines. Say these are the two axis, x-axis and y-axis. Okay, now form these three lines. First line is 7x minus 2y plus 10 equal to 0. If you plot on the graph, you will get x negative intercept and y positive intercept. This type line you will get. This is a rough diagram, no need to draw exact diagram. Second line, 7x plus 2y minus 10 equal to 0, both intercept will be positive. You will get this type line, 7x plus 2y minus 10 equal to 0. And third line is y is equal to 2. So y is equal to 2 line you will get somewhere here. This is a triangle you are getting, ABC. We have to find out the area of this triangle, isosceles triangle. So you know, here y coordinate everywhere is 2. So if you put in this equation y is equal to 2, you will get the x coordinate. So if you put y is equal to 2, 4 minus 10 minus 6, transfer this side, 6 upon 7. We have drawn the line 7x minus 2y plus 10. So this is the intersection point of y is equal to 2 and this line. So y coordinate remains 2. In place of y put 2, 4 minus 4 plus 10, it become plus 6, transfer that side, minus 6 divided by 7 and y is 2. Coordinates of the point A and C point you have to get after solving these two equations. So 7x minus 2y plus 10 equal to 0 and 7x plus 2y minus 10 equal to 0. If you add these two, you can see 14x is equal to 0. So x coordinate will be 0. In place of x put 0, you will get y is equal to 5. Coordinate of C point is 0, 5. Now we have to find out the area of this triangle. If you are using half base into altitude, then it becomes very easy. What is the length of AB? So area of triangle is half base is AB and altitude. Length of AB, here y coordinate is same, 6 by 7 is this length and 6 by 7 is this length, total length is 12 by 7.
and altitude, this length. You can see its coordinate is 5. So from this point to x-axis origin, the total length is 5. So this length is 5. You can see from C to O, this length is 5. इतना 5 हो गया. और ये length जो है आपकी, ये 2 है. Y is equal to 2. ये 2 length और ये 5 length. तो आप easily इस length को कितना होगा? 5 minus 2, that is 3. तो altitude आपको directly मिल गया 3. Altitude के place पर 3. अब आपको सीधे सीधे value मिल गई 2. Cancel कर दिया. 6 3 जा 18 upon 7 square units. That is the area of this triangle. Now we can see which option is correct. 18 upon 7, which will be match C option. C option is the correct option. तो आपने देखा इस क्वेश्चन में तीनों लाइंस गिवन थी, लेकिन आपने हाफ बेस इनटू ऑर्डिटेड यूज किया तो ये आसान हो गया. आज के लेक्चर में आपने देखा कि हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट से लाइन के बीच में और दो पैरेलल लाइंस के बीच में. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा आपने और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम.